तो देखिए सीधे आपको तस्वीर दिखा रहे हैं विधानमंडल की बैठक के बाद। अब सदन की जो कार्यवाही है वो अब से कुछ ही क्षण में शुरू होने वाली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको दिखाई दे रहे होंगे, तमाम जो दिग्गजगण हैं वो सदन में पहुंच चुके हैं और आज विपक्ष की तरफ से कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा जा सकता है। तो तमाम जो यहां पर सांसद जो विधायक हैं वो पहुंच रहे हैं, वो मुख्यमंत्री से मुलाकात करते हुए तो सभी एक दूसरे से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। तो मुख्यमंत्री ने पहले ही सदन की कार्यवाही से विपक्ष को यह आग्रह किया है कि जनता के हित के मुद्दों की बात यहां पर होनी चाहिए तो सदन सुचारू रूप से चले, इसका खास ख्याल रखा जाए। तो आज विधानसभा का मॉनसून सत्र जिसकी सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं शुरू होने जा रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद ये विधानसभा का पहला सत्र है और ऐसे में विपक्ष की तरफ से कई मुद्दों को लेकर हंगामा होने के पूरे आसार जताए जा रहे हैं। हालांकि इससे पहले विपक्षी दलों से सीएम योगी की तरफ से अपील की गई, आग्रह किया गया कि जनता से जुड़ी हर समस्या के समाधान के लिए सरकार तो प्रतिबद्ध है, विपक्ष भी ये भूमिका निभाते हुए नजर आए, जनता के हित के मुद्दों की बातचीत यहां पर हो। तो आपको बता दें कि इस बार नेता प्रतिपक्ष के तौर पर माता प्रसाद पांडे, जिनके नाम पर अखिलेश यादव ने मुहर लगाई है, वो जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आएंगे। तो आपको बता दें कि विधानसभा सत्र की शुरुआत होने से पहले ही उन्होंने कहा, माता प्रसाद पांडे का कहना है कि विधानसभा में सरकार की तरफ से उपेक्षित वंचित लोगों के मुद्दों को उठाने की पूरी कोशिश वो करेंगे, साथ ही सभी मुद्दे उठाने की बात भी उन्होंने कही है, चाहे वो बिजली का मामला हो, कानून का व्यवस्था का मामला हो, शासन का हो। तो 5 दिन सत्र है, अब सरकार से लगातार विपक्ष इस 5 दिन को और बढ़ाने की मांग कर रहा था, लेकिन ये संक्षिप्त सत्र में सरकार के सामने भी बड़ी चुनौतियां यहां पर रहने वाली हैं। तो अनुपूरक बजट यहां पर सरकार की तरफ से पेश किया जाना है, तो 5 दिन का ये सत्र काफी महत्वपूर्ण है और ऐसे में माता प्रसाद पांडे ने सदन की कार्यवाही से पहले सरकार से अनुरोध किया है कि वो तय करे कि ये कितने दिन होगा, आगे भी इसे जारी रखने की कोशिश करेंगे ताकि समस्याओं पर चर्चा हो सके। तो देखिए सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर आपको मुस्कान नजर आ रही होगी, तमाम जो दिग्गज स्वतंत्र देव सिंह आपको नजर आ रहे हैं, ब्रजेश पाठक यहां पर हैं, तो सत्ता पक्ष किस तरह से कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है ये देखना होगा। लेकिन सदन के अंदर जब मुद्दों की गूंज सुनाई पड़ेगी, सदन के अंदर जब विपक्ष सवाल खड़े करेगा, उसके बाद किस तरह से तमाम नुमाइंदों की तरफ से जवाब रखा जाता है, सरकार अपना पक्ष किस तरह से रखती है देखना होगा, क्या जनहित के मुद्दे यहां पर गूंजते हुए नजर आएंगे ये देखना होगा। तो ब्रजेश पाठक ने भी सदन की कार्यवाही से पहले उन्होंने कहा है कि राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए हम अनुपूरक बजट पेश करने जा रहे हैं, कई मुद्दों पर चर्चा होगी, सकारात्मक राजनीति करने और राज्य के विकास में सहयोग करने का आग्रह विपक्षियों से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की तरफ से भी किया गया। तो देखिए तमाम लोग जो हैं दिग्गजगण मुख्यमंत्री से मुलाकात करते हुए नजर आ रहा है, कोई हाथ जोड़कर अभिनंदन करता हुआ तो कोई पैर छूकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आशीर्वाद लेते हुए दिखाई पड़ रहा है। तो देखिए ओपी राजभर भी आपको नजर आ रहे होंगे, संजय निषाद भी, तो सत्ता पक्ष तो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है, वहीं विपक्ष के भी इस बार तल्ख तेवर देखने को मिल रहे हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान जो नतीजे सामने आए हैं उसकी छाप भी सदन के अंदर दिखाई पड़ सकती है। तो देखिए सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले किस तरह की चहलकदमी वहां पर है, किस तरह से वहां पर हलचल देखने को मिल रही है, उसकी हर एक तस्वीर आप तक हम सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। तो यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र अब शुरू होने जा रहा है, दिग्गजों का जमावड़ा यहां पर लग चुका है, सदन की कार्यवाही किसी भी क्षण जो है वो यहां पर शुरू हो सकते हैं। फिलहाल जो दिग्गज है वो आपस में मुलाकात करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने तमाम नुमाइंदों से यहां पर मुलाकात कर, संवाददाता आलोक पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आलोक, क्या हलचल है, क्या वहां पर कितनी देर में सदन की कार्यवाही शुरू, 11 बज चुके हैं? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आज कार्रवाई आज विधानसभा के सत्र शुरू हो रहा है उससे महत्वपूर्ण ये है कि अनुपूरक बजट भी रहेगा और उसके साथ साथ लोकसभा चुनाव के बाद ये पहला सत्र है यूपी का, तो परिणामों का असर यहाँ पे भी दिखेगा और सदन के अंदर खासतौर पर विपक्ष आक्रामक रहेगा इस बात के शुरुआत से ही संकेत मिल गए हैं। नेता प्रतिपक्ष का जिस तरह से चयन किया है समाजवादी पार्टी ने, उसका समीकरण भी कहीं ना कहीं सदन में देखेगा और सदन के बाहर भी नजर आएगा। कुल मिलाकर के सदन जो शुरुआत हुआ है निश्चित तौर पर ये हंगामादार होने का पूरे आसार है और इसमें न सिर्फ अनुपूरक बजट उसके साथ साथ जो विधायी कार्य है वो भी महत्वपूर्ण। ठीक है आलोक, बने रहिए आप हमारे साथ, क्या कुछ कह रहे हैं, क्या हलचल है आपको सीधा सुनवाते हैं। उनका परिचय करवाए माननीय मुख्यमंत्री जी, अध्यक्ष जी बैठे बैठे बैठे, उसके बाद आएगा नंबर।
मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी चार मंत्रियों का मैं इस माननीय सदन से परिचय कराना चाहूंगा। इसमें ज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री के रूप में श्री अनिल कुमार जी को, प्रदेश सरकार में कारागार मंत्री के रूप में श्री दारा सिंह चौहान जी को और प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में श्री सुनील शर्मा जी को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। ये चार माननीय सदस्य जो इस माननीय सदन के सदस्य भी थे या उच्च सदन के सदस्य थे, उन्हें मंत्रिमंडल के रूप में शामिल करके उनका परिचय मैंने इस माननीय सदन के सम्मुख कराया है। धन्यवाद। नतीखा प्रश्न संख्या एक, डॉक्टर रागिनी। माननीय नेता प्रतिपक्ष हो क्योंकि एक सेकंड मैं आधे से भी आधा दूंगा। आप बैठ, इसके लिए आधार पर आप बैठ, एक सेकंड बैठ जाइए, एक सेकंड। क्या कर मैं, क्योंकि हम सबके लिए, जैसे माननीय मुख्यमंत्री ने नए मंत्रियों का परिचय कराया, आज इस सदन में एक नई जिम्मेवारी के नाते से नेता प्रतिपक्ष के रूप में आदरणीय श्री माता प्रसाद जी पांडे भी हमारे लिए, आदरणीय माता प्रसाद जी पांडे का जीवन समाज के लिए समर्पित रहा हमेशा। 7 बार विधायक रहने का इनको गौरव प्राप्त है। 7 बार बहुत लंबा पीरियड होता है। विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी को भी आपने सुशोभित किया 2 बार। आपके मार्गदर्शन में हम सब लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला। आज नेता प्रतिपक्ष की जगह आपको बैठकर देखकर मेरे को बहुत प्रसन्नता है। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं और आपका मार्गदर्शन और आपका सहयोग विधानसभा को सुचारू रूप से चलाने में, एक सकारात्मक चर्चा जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की छवि पूरे देश में है, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में अच्छी चर्चा होती है, उसमें आपका सहयोग और आपका मार्गदर्शन मिलेगा, मेरा ऐसा आपसे निवेदन है। माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप क्या कहना चाहिए? सबसे पहले मैं माननीय अध्यक्ष जी आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं। जो शब्द आप मेरे लिए प्रकट किए उसके लिए मैं धन्यवाद भी देता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, इसमें प्रदेश में बाढ़ की नई समस्याएं आ गई, कानून व्यवस्था भी है, विद्युत व्यवस्था भी है और भ्रष्टाचार भी है। ये सब पे चर्चा करेंगे आप, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आपका अधिकार है विभिन्न नोटिस देने का, तो आप देंगे, हम सभी के ऊपर चर्चा करेंगे, सरकार सबका जवाब देने के लिए तैयार है। ठीक है माननीय अध्यक्ष जी, मैं अरे रुको ना यार, बोलने तो पता तो चले कि आगे नहीं है, आप बोल चुके। चलो माननीय सदन, चलो अरे वर्मा जी,